हेलो हाय गाइस, मेरा नाम किरण कुड़ी है। मैं सीकर से बिलोंग करती हूँ। मैंने रिसेंटली एम्स बीएससी होम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया है। मेरी ऑल इंडिया में रैंक 931वीं है। ओबीसी कैटेगरी में रैंक 410वीं है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की थी। अभी जैसे आप सबको पता है, 30 क्वेश्चन बाय के होते हैं, 30 केमिस्ट्री के, 30 फिजिक्स के होते हैं, 10 जीके के होते हैं। जीके के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो, स्पोर्ट्स वगैरह का देख लिया करो, और रीतिका मैम का जो मैटर है वो बेस्ट है। फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी प्रीफर करूँगी। सबके लिए वैसे तो एनसीईआरटी है, लेकिन फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी में कंसेप्चुअल बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। रही बात न्यूमेरिकल की, तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ट आते हैं। हो सकता है कि फॉर्मूले डेरिवेटिव हो, एक फॉर्मूले से डिजिट निकाल कर दूसरे में, वैसे हो सकता है इंटरचेंज, लेकिन फॉर्मूला बेस होता है। पूरा एनसीईआरटी से ज़्यादा हार्ड पेपर होता नहीं है। केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री से एक न्यूमेरिकल आता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। इनऑर्गेनिक के लिए डायरेक्ट कंसेप्चुअल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन वाले आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होता इसका भी। ऑर्गेनिक के लिए नेमिंग रिएक्शन परसेंट ज़्यादा होता है और रिएक्शन वगैरह थोड़ा उधर से ज़्यादा होता है। इसके लिए भी अपनी शॉर्ट नोट्स और एनसीईआरटी ही बेस्ट है। और थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और ऑर्गेनिक के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, चाहे कहीं से भी करो, यूट्यूब से करो, नीट की गाइड से करो, कहीं से भी करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। रही बात बायो की, बायो की में बायो में पूरी एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। 25 से अबोव क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं। जो 2-4 क्वेश्चन रह गए वो कंसेप्चुअल होते हैं, वो भी एनसीईआरटी से होते हैं, तो पेपर ज़रा टफ होता नहीं है। मैं प्रैक्टिस जेएन से चैनल से करती थी। रीतिका मैम ने भी काफ़ी हेल्प की है। रीतिका मैम के यहाँ से 50 से ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं इस बार, और 2022 में 230 बच्चों ने ज्वाइन किया है। अभी उनके ऐप में, मतलब उनके कोर्स में 50 क्वेश्चन पेपर है, टेस्ट पेपर। उनसे बहुत फ़ायदा होता है। टेस्ट देने से ये पता चलता है कि हमारे कौन से टॉपिक वीक हैं, कहाँ के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मेन बात है कंसेप्ट क्लियर रखो अपने। रही बात ये कि नीट वाले बच्चे क्रैक कर पाते हैं, ऐसी कोई टेस्ट देने से ये पता चलता है कि हमारे कौन से टॉपिक वीक हैं, कहाँ के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मेन बात है कंसेप्ट क्लियर रखो अपने। रही बात ये कि नीट वाले बच्चे क्रैक कर पाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन होगा। हाँ, हो सकता है कि नीट की तैयारी कर रहे थे, इधर बीएससी का पेपर, बीएससी होम्स नर्सिंग का पेपर दिया, सिलेक्शन हो गया, लेकिन जो विदाउट नीट हैं और बीएससी होम्स नर्सिंग या एमएनएस की इसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो प्रेशराइज ना हो। जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा। रही बात ये कि 10 से 12 घंटे पढ़े या कितने घंटे पढ़े, जितना पढ़ो उतना मन लगा कर पढ़ो। क्वांटिटी से क्वालिटी मैटर करती है। जहाँ से पढ़ो अपनी शॉर्ट नोट्स रखो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना है। अदरवाइज कोई भी किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ से पढ़ो यहाँ से, लेकिन एनसीईआरटी पहले है। और बाकी तो आपके साथ रीतिका मैम है, वो सब कुछ बता देंगी, काफ़ी हेल्प करते हैं। उनके लिए एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और 2022 में जो भी बच्चे बीएससी होम्स नर्सिंग के एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।